दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया पर कोरोना का खौफ छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है। दरअसल BCCI IPL के 13वें सीजन का आयोजन 25 सितंबर से 1 नवंबर के बीच करने के बारे में सोच रहा है। इस मामले से जुड़े सूत्र ने कहा कि हालांकि इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन BCCI IPL के आयोजन के लिए सितंबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के बीच में इसकी मेजबानी करने को सोच रहा है। दोस्तों, सूत्र ने कहा इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इसके लिए काफी चीजों को पहले ठीक स्थिति में आना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह तभी संभव हो सकेगा जब देश में खतरनाक कोरोना वायरस के मामले कम करने में कामयाबी मिलने लगेगी और सरकार अपनी मंजूरी दे देगी। उन्होंने कहा कि कई सारी चीजें होनी है, लेकिन हाँ, इन तारीखों पर बात हुई है और संभावित रणनीति पर बात चल रही है। इस मामले में जब एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि वह लोग आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उनकी नजरें सितंबर के आखिरी से नवंबर के बीच के समय सीमा पर है, क्योंकि लीग शुरू करने के लिए 1 महीने की प्लानिंग तो चाहिए होगी। दोस्तों, अधिकारी ने कहा कि हमें बताया गया है कि इन तारीखों को देखकर रणनीति बनानी चाहिए, बल्कि हम इसी बात को ध्यान में रख अपनी नीतियां बना रहे हैं, लेकिन यह अंत में देश की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन इस सब के बीच एक सबसे अहम बात यह है कि इस समय सीमा में IPL के आयोजन के लिए जरूरी है कि T20 विश्व कप स्थगित हो, जो ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच खेला जाना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के कुछ खिलाड़ियों ने भी कहा है कि उन्हें इस निर्धारित समय पर विश्व कप के होने की उम्मीद नहीं है।